देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को मनुष्य को हेल्थ कार्ड देना तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, अब मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं, और मान लो वो हर दिन 10-10 लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? लेकिन अगर कोई समझदार मां एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध उसको पिलाती जाए, दिन में 2 बार 5 बार 7 बार एक एक चम्मच, तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। ये फसल का भी ऐसा ही है, पूरा पानी भर करके फसल को डुबो तो जैसे फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है। बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अनपढ़ मां भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं। खैर, इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है, और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर
20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है उसमें ये और मदद करेगा। साथियों, भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर एलिफेंट, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।